कोई बात नहीं, आई आई दे दी रे भाई, एक बार दे के चल जाए। हाँ एक बार दे दी, हम खुश रहो खुश उस लड़की को भी दीजिए। हेलो गलत बात है, देखिए तीन लड़कियां इधर भी हैं, क्या सोचेंगे? अच्छा नहीं लगता ना इस सब। हाँ आखिर पैसा है बर्बाद करने का, क्या सब ले जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा, इनके पास जाएगा तो खर्चा हो। अरे जीती जीती भी आप आए क्या, तो आप इतना उदास क्यों? जिंदगी में बात होना आपसे, मैं बातों को खोलना जानता हूं, इसलिए मेरे संबंध आज तक सबसे वैसे ही है। अपने अपने अगर मेरे बारे में कुछ बोला भी होगा तो अपनी मोहब्बत उससे कई गुना ज्यादा भी किया, इसलिए वो बातें मेरे को खलती नहीं, क्योंकि आपकी मोहब्बत उस बातों पे भारी है, इसलिए आज यहां पे सारी है। आज आपने साबित कर दिया, और आप बोल रहे थे तो हमारा आंख भर आया। आज आपने साबित कर दिया कि कलाकार कितना बड़ा होता है। मैं चाहता हूं ऐसे शख्सियत के लिए एक बार ताली देनी चाहिए, कि एक शेर आपके लिए, कि कुछ लोग प्यार पे कुछ इजहार पे चलते हैं, कुछ लोग प्यार पे कुछ इजहार पे चलते हैं, कुछ इकरार पे कुछ इनकार पे चलते हैं, और आप जैसे लोग हवा का रुख नहीं देखते, आप जब भी चलते हैं तलवार की धार पे चलते हैं। ये हमारे भाई की पहचान है, बहुत बढ़िया, लव यू, मन बिल्कुल गाजल है। अरे भाई क्या बात है, जिंदगी में एक बात बताऊं आपसे, जिंदगी के हर रिश्ते एक है, शायद मैं बहुत ज्ञानी आदमी नहीं हूं, लेकिन आप लोगों से एक बात जरूर कहूंगा, इसको फॉलो करिएगा जरा। अगर आपको कोई शख्स गाली दे दिया, आपका वो दोस्त है या आपको भला बुरा बोल दिया, तो सिर्फ एक बार बोला है, लेकिन आपसे प्यार मुझे लगता है कि हजारों बार किया होगा। तो अगर उस मोहब्बत को याद करिएगा तो वो गाली बड़ी छोटी नजर आएगी। तो रिश्तों को बचाने का, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पापा इतने गाली देते हैं, इतने बोलते हैं, हम तो हर दिन बाप बदलते रहे भाई। तो रिश्तों को कभी मत खोइएगा, क्योंकि इस इंसान से मेरा रिश्ता आज का नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि गढ़ा महोत्सव में पहली बार मिला था मैं। ये और रवि रंजन जी थे, और गढ़ा महोत्सव में गोपाल भैया ने बड़े सम्मान के साथ हमें बुलाया था, बड़ा सम्मान मिला था मुझे, और वहां पे मेरे विपक्षी थे। हम मंच में विपक्षी हो सकते हैं, बट हम इंसान हैं तो इंसान के दर्दों को समझते हैं। आप उस मंच की गरिमा को संभालने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो बोलिए, आपका कर्म है, वो कर्तव्य है, उसे मैं कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन अन्यथा ये कभी मत सोचिएगा कि उस शब्दों से मुझे कभी ठेस पहुंचेगी, क्योंकि मुझे शब्दों से ठेस नहीं पहुंचेगी। क्योंकि आप जहां हैं, जिसके साथ हैं, उसकी तारीफ आपको करनी है, किसी को नीचा दिखाना है तो किसी को बड़ा बनाना है, लेकिन वो आपका मंच है, और वो बातें मंच तक ही सीमित है, और उसको मैं मंच ही समझता हूं। मंच के बाद आप मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा हैं, वो आपकी गरिमा है, उस गरिमा को मत भूलिएगा। आप बोलते हैं तो अच्छे लगते हैं, चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो, सोच के मत भूलिएगा कि मैं किसके लिए बोल रहा हूं। आपकी सोच में मैं हूं, ये कम थोड़ी